जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मौजूद हैं जी हम गुजरात मंडी में, जो कि पहले कुंजा में लगती थी, कुंजा अब मेन रोड के ऊपर शिफ्ट हो गई है गुजरात में। और ये आप देखें कि खुराक जो है ना मंडी के अंदर भी जानवरों के लिए आके जब बांधा जाता है तो उनको खुराक क्या दी जाती है। ये जो ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है ना, जो मैंने आके देखा है, एक तो इनको जो जंतर है ना वो डाला जा रहा है, और दूसरा जो है ना वो ये देखें चने का छिलका और चोकर और गंदम इसके अंदर इनकी खुराक के अंदर इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा जानवर जो है ना वो बांधने का जो तरीका होता है ना वो ये देखने फटा लगाया हुआ है, अगली टांगें उनकी ऊपर हैं और पिछली टांगें नीचे हैं, और ये देख लें सारे एक तरतीब के साथ जो है जानवर खड़े हुए हैं। और इनसे पूछते हैं कि जो कितने कितने केजी के हैं और मंडी का जो रेट है वो क्या है आज, क्योंकि आज जो मंडी हमने देखा है ना मंडी के अंदर वो रेट जो है ना वो नॉर्मल है, यानी कि लो रेट पे है। और जो यहाँ पे सेल करने आए हुए हैं वो या तो कर चुके हैं या फिर जो व्यापारी लोग हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि रेट कोई नहीं है। आगे एक व्यापारी से बात हुई है तो वो कह रहा है कि हमने सुबह का एक सेल किया है, रेट ही नहीं है आज यहाँ पे। तो अगर खुराक की बात की जाए तो खुराक यहाँ पे भी जो खुश्क चारा दिया जाता है, खुश्क चारा इनको इसलिए ज़्यादा यहाँ पर इसलिए दिया जाता है कि जानवर ज़्यादा खाएँ और ज़्यादा पानी पिएँ, क्योंकि ये जो खुराक है वो गर्म होती है, खुश्क होती है। जब जानवर को खुश खुराक दी जाती है तो जानवर खुश खुराक खाने के बाद ज़्यादा पानी पीता है। ये यहाँ पर जी बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुराक वगैरह और इनकी देखभाल कर रहे हैं, पानी वगैरह इनको दे रहे हैं। बिलाल भाई किन्ने के सेल किए सुबह दे मंडी, अज का रेट की चल रहा अज मंडी लो अज ये तकरीबन हूँ वही ईद गुजरी तो किन्ने दिन लग जाएंगे मंडी सैट होंगे तकरीबन लग जाने 20 दिन कर लो 15 दिन कर लो मुहर्रम तो बाद मंडी ठीक रेट मुहर्रम तो बाद जाके जड़ी मंडी ठीक होएगी। मंडी जो है ना मैं एक दिन सब्ज़ मंडी में भी गया तो वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं कि चीज़ों के रेट सस्ते हैं, और वो भी वहाँ पर भी बात कर रहे थे कि मुहर्रम के बाद ही जो है ना वो रेट ऊपर होंगे। बिलाल भाई इन्हों का कजलियां का की रेट है? और ये गुजरात का एरिया, और इसके अंदर ज़्यादातर जो पता करते हैं ना वो शेरे प्रिंट में जानवर लेते हैं, गुजराती बीतल। हाँ तो इनके रेट ज़्यादा होते हैं यहाँ पे? नहीं इतने ज़्यादा नहीं होते, सस्ते होते हैं, सिंधी होते हैं बकरे। ठीक हो गए, शेरे रंग दे हैं सारे। ठीक हो गए, लै भी यही आने गुजरात से ज़्यादा सी। ठीक सेले यही होता। ठीक हो गया, की रेट शेट इन्हों का? जो इन्होंने सामने जी ने 30-35 हज़ार आखना, जितने जानवर मंडी से बदले होने से 35-30 हज़ार दे। ठीक हो गया, ये गुजरात के इलाके में ज़्यादातर जो गुजराती नस्ल जो मंजा अपना खल होया उस सू किसी 65-60 हज़ार आखना सी फी कन दे देना। ठीक हो गया, ये ज़्यादातर जो यहाँ पे मौजूद हैं इनके पास शेरे प्रिंट के अंदर हैं, दूसरा गुजराती बीतल प्रिंट के अंदर। तो क्योंकि गुजरात और खारियाँ लाला मौसा इस एरिए के अंदर जो ज़्यादातर जानवर रखे जाते हैं ना, जो आजड़ी लोग पसंद करते हैं वो गुजराती बीतल को इस्तेमाल पसंद करते हैं, और इसके अंदर जानवर की खूबसूरती को मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि ये जानवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और इनका जो वेट है वो भी बहुत अच्छा गेन होता है। वेट के हिसाब से ज़्यादातर जानवर यहाँ पे पसंद किए जाते हैं, और इनका अच्छा वेट जो है ना वो देखने को मिलता है, और ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। हम भी सुबह के निकले हुए हैं आज ना गुजराती बीतल ब्रीडर ढूंढ रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं अहमद भाई, उन्होंने एक ब्रीडर लेना है तो उसके लिए आज ना ढूंढ रहे हैं। चलें जी, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो,
बिलाल भाई खुराक इन्हों यही देंगे हो? सबल चारा नहीं इस्तेमाल करते? ठीक हो गया। ये खा के की गल, पानी ज़्यादा पीते जानवर? ठीक हो गया। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की, और इंशाल्लाह एक नए भी लोग के साथ नेक्स्ट हाज़िर होंगे आपके साथ। तो अभी तक लिए इतने ही। दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज जो है ना वो ज़रूर अदा करें। ये देखिए एक बकरा, आज तक लिए इतने ही। दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह हाफिज़।